वो धूप की चिंदी सूरज की नहीं, धरती पर उगे हुए पेड़ की है। सूरज डूबता है डूब जाए, धरती मुंह फेरती है फेर ले। मैं धरती की धूप लिए सूरज का पीछा करूंगा, कहीं भी रहूं यह नहीं छूटता कि मैं हिंदुस्तान के एक गांव का हूं। ऐसा गांव जो शहर से बहुत दूर है, जो नदी की दो धाराओं के बीच वाले क्षेत्र में पड़ता है, जहां बाढ़ आती है जहां सूखा पड़ता है। गोरखपुर का पकड़दीहा गांव, यहीं विद्या निवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 मकर संक्रांति के दिन हुआ। मेरे बड़े भाई पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। यह मकान जहां हम लोग बैठे हुए हैं, इसी मकान से पहले यहां पर एक खपरैल का मकान था, उसमें उनका जन्म 1926 में हुआ था। मकर संक्रांति का वो दिन था जैसा कि लोगों ने बताया। मेरे पिता पंडित प्रसिद्ध नारायण मिश्र एक प्रतिष्ठित वकील थे। माँ इस गाँव की लोकगीत की साम्राज्ञी मानी जाती थी। उनके पास लोक कथाओं लोकगीतों का अद्भुत संग्रह था। गांव में यही सबसे बड़ा आदर था कि सभी लोग उनको अपनी माँ समझते थे और सबको उन्होंने अपने पुत्रवत स्नेह दिया। मेरा गांव घर निबंध में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र अपने बचपन का सजीव चित्रण करते हैं। यह नहीं छूटता कि गांव की अमराई में से होकर स्कूल जाना होता था और एक घंटा वाला पीपल पड़ता था। हम लोग इस गांव के जमींदार नहीं थे, पर हमारे बाबा जाने कब से गांव के मुखिया थे। रामायण महाभारत पंचतंत्र की कहानियां उन्हें क्रमबद्ध याद थी। लोक कथाओं के कोष थे वे। छुटपन में उन्हीं के साथ खाता सोता जागता, उन्हीं के साथ खेत खलिहान जाता। उनके कारण मुझे आदमी में, आदमी की उपजाई हर फसल में गहरी दिलचस्पी हुई। तो मलगा नाले में पानी रहता था कभी कभी, इनको कंधे पर चढ़ा कर बिठा कर पार किया जाता था और हम लोग तो हल के जाते थे। और ये थे कि ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर विषय इनकी अच्छी जानकारी थी। हम लोग जो कि गणित वगैरह में हम लोग कमज़ोर थे और चीज़ तो ठीक था, लेकिन ये गणित वगैरह हर विषय वहीं का तेज था। विद्यानिवास मिश्र के दूसरे पितृव्य पंडित मुनिवर मिश्र संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनके द्वारा मिश्र जी को पाणिनीय व्याकरण एवं न्याय की शिक्षा मिली। वे पूजा पर बैठते संस्कृत में ही बोलकर बालक विद्यानिवास से पूजा की वस्तुएं मांगते। बालक विद्यानिवास के लेखन की शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में कविताओं से हुई। विद्यानिवास मिश्र ने जुबली हाई स्कूल गोरखपुर से हाई स्कूल तथा सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर से सन 1941 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए विद्यानिवास जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में प्रवेश लिया। अध्ययन के दौरान उन्हें गुरु क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय का सानिध्य प्राप्त हुआ और संस्कृत वाङ्मय में उनकी गहन रुचि विकसित हुई। पंडित विद्यानिवास मिश्र को डॉक्टर हरवंश राय बच्चन, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि साहित्यकारों का ऐसा साहचर्य मिला जहां साहित्य, दर्शन और राजनीति पर खुले मन से चर्चा होती थी। इस मकान का प्रकरण 1942 के उस प्रकरण से जुड़ा है जब मेरे भाई साहब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और 1942 में पद्मधर कांड हो गया था विश्वविद्यालय में। तो वहाँ के विद्यार्थियों को, बहुत सारे जिनको माना गया कि उसमें सम्मिलित होंगे, उनको जहाँ जहाँ रहते थे उनके मूल निवासों पर ठिकाने पर छापामारी हुई और इसी मकान में हम लोग तब रहते थे। और भाई साहब उसी समय यहाँ आए हुए थे, उनके साथ बाबू आद्या प्रसाद सिंह जी थे, वहीं के विद्यार्थी उनके सहपाठी थे। पुलिस ने जब इस मकान को चारों तरफ से घेर लिया
तो वहाँ हमारे एक चाचा थे पंडित बाबू नंदन शुक्ल, और वो उन लोगों को लेके मकान के इसी हिस्से से पीछे कूद गए और ले करके उन लोगों को चले गए। तब ये बहुत संकरा पाल लोगों का मोहल्ला था। सन 1943 में बीए द्वितीय वर्ष पास करते ही विद्यानिवास मिश्र का विवाह चंपारण जिले के गांव के जमींदार की पुत्री राधिका देवी के साथ संपन्न हुआ। लोक जीवन में रची बसी राधिका देवी गांव और शहर की दूरी पाटती रहीं। अपने निबंध विवाह उत्सव याद आता है वो जमाना में मिश्र जी अपने विवाहोत्सव को बड़ी आत्मीयता से याद करते हुए विवाह संस्था के क्षरण की ओर इशारा करते हैं। अपने विवाह की बात 50 वर्षों बाद भी याद है। बारात का उल्लास देर से तीसरे पहर दिन में, आधी रात बाद रात में, सबके साथ भोजन, शहनाई की मधुर ध्वनि, समय समय पर शाम शाम कथक नृत्य, ये सब एक और वर वधु दोनों सबके वेद्य बने हुए। कोहबर में दो दियों की बाती मिलाने को कहा गया। अब जलती हुई दो बातियों को मिलाना आसान तो है नहीं। विवाह में हारना ही हारना है, और इस हारने में कितना सुख है। सन 1945 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात मिश्र जी हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी हिंदी कोश के संपादन कार्य में राहुल सांस्कृत्यायन के सहयोगी बने। सन 1946 में राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से मिश्र जी साहित्य शास्त्री भी हुए। सन 1948 में विद्यानिवास मिश्र की प्रथम नियुक्ति आकाशवाणी इलाहाबाद में संपादक के पद पर हुई। आकाशवाणी का अनुभव पंचशर में संग्रहित रेडियो रूपकों, शारदोत्सव, नगाधिराज हिमालय, गार्गी वाचक नवी आदि की पृष्ठभूमि बना। इलाहाबाद प्रवास के समय ही विद्यानिवास मिश्र अज्ञेय जी के संपर्क में आए। ये परिचय निरंतर घना होता रहा। आगे चलकर दोनों के संयुक्त प्रयास से वत्सल निधि के कार्यक्रम साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बने। विंध्य प्रदेश का गठन होने पर विद्यानिवास मिश्र जी ने सन 1952 में रीवा में सूचना अधिकारी एवं प्रभारी पुरातत्व एवं लोक कलाएं पदभार ग्रहण किया। प्रकृति के बीच रहकर वे प्रकृति से रस गंध ऊर्जा ले रहे थे। मधुर मन भावनी प्रकृति के चितेरे विद्यानिवास मिश्र जी की लेखनी गतिवान थी। सांझ बही, चंद्रमा मनसो जात, तुम चंदन हम पानी आदि निबंध इसी काल में रचे गए। विद्यानिवास जी को अगर एक वाक्य में मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि वो लोकोन्मुखी चेतना के भारतीय लेखक या भारतीय चिंतक हैं। उनका सारा चिंतन लोक को समर्पित है, और जो लोक की वेदना है उसको उन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य में अर्जित किया है। उनके तमाम निबंधों में जो उद्धरण आते हैं वो साबित करते हैं कि करुणा ही वह केंद्र है जहां से उनका लेखन शुरू होता है। सन 1956 में विद्यानिवास मिश्र सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक होकर लखनऊ आए। इसी वर्ष मिश्र जी की पुत्री मंजुला का जन्म हुआ। उनको शायद बहुत ज़्यादा पसंद थी काबुलीवाला फिल्म, उसमें मिनी थी तो मुझे मिनी पुकारने लगे, और पूरा घर ही मिनी पुकारता। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1957 में हुई। गोरखपुर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर एवं उपाचार्य संस्कृत विभाग के पद पर पंडित विद्यानिवास मिश्र पुनः गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में उनके द्वारा स्थापित जिज्ञासा संस्था की गंभीर गोष्ठियों में देश के प्रसिद्ध साहित्यकार भाग लेते रहे। सन 1960 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर होकर
मिश्र जी अमेरिका के वर्कले शहर में पहुंचे। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अपने डॉक्टरेट के शोध प्रबंध डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनी का अधिकांश कार्य कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्कले के दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र में सन 1960 से 62 की अवधि में पूरा किया। इस कार्य में उन्हें प्रख्यात भाषाविद प्रोफेसर एम बी एवेन्यू का मार्गदर्शन मिला। काशी में उन्होंने अपने समय के बहुत बड़े अलंकार शास्त्री से अलंकार की परंपरा को, काव्य की परंपरा को ग्रहण किया था, वो स्वामी दामोदर लाल जी। ऐसा रसिक व्याख्याता कालिदास की इतनी गहनी पैनी दृष्टि के साथ उसको समझने की जो दृष्टि थी वो गोस्वामी दामोदर लाल जी से उनको मिली थी, कहा करती थी। उनके सारे के सारे व्यक्तित्व में जयदेव, सारी आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी की कविता, संस्कृत की कविता के सातत्य के रूप में प्रतिफलित होती थी। यदि भारतीय कविता जैसी कोई चीज है तो उसकी जैसी समझ पंडित जी के पास थी वो हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा की वस्तु रहेगी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का अमेरिका प्रवास कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। मिश्र जी ने हिंदी की आधुनिक कविताओं का अंग्रेजी में काव्यानुवाद किया। यह पुस्तक मॉडर्न हिंदी पोइट्री एंड एंथोलॉजी नाम से इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस ब्लूमिंटन से सन 1965 में प्रकाशित हुई। इसकी भूमिका अज्ञेय जी ने लिखी। पंडित विद्यानिवास मिश्र मूलतः आलोचक नहीं है, लेकिन आलोचना में प्रवेश करते, अपने निबंधों में प्रवेश करते हैं। साथ ही साथ जो भारतीय साहित्य शास्त्र की काव्य शास्त्रीय अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं के भीतर प्रवेश करती। जैसे पंडित जी ने बहुत बड़ा चिंतन मध्यकालीन काव्य और रस को लेकर किया और उनके सामने चुनौती के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रस चिंतन था। वो रस चिंतन मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत था, लेकिन पंडित जी के मन में था कि रस की एक अलग से लौकिक व्याख्या की जाए और भक्ति शास्त्र के साथ लगा हुआ ये जो भक्ति रस है इसे उज्ज्वल नीलमणि और भक्त रसात्मक सिंधु की परंपराओं से जोड़ा जाए। तो आलोचना का एक कार्य पंडित जी ने रस के संदर्भ में किया। पंडित जी ने अपनी किताब का ही नाम रखा सहृदय। अभिनव गुप्त को तो पंडित जी ने स्वीकार किया, लेकिन अन्य जो प्रचलित शब्द थे पाठक है, प्रमाता है, सुमनस है, प्रेक्षक है, रसज्ञ है, प्रमा है, इन तमाम शब्दों को पंडित जी ने लगभग हटा दिया। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में अतिथि प्रोफेसर के पद पर सन 1967 में पुनः अमेरिका पहुंचे। विद्यानिवास मिश्र नए सोपानों पर कदम रख रहे थे, लेकिन प्रकृति के बीच गांव घर में लौटने की बेचैनी बनी हुई थी। प्राण भी क्या करे, प्राण का धर्म है रस में उमगना। उमगता है, फूटता है, कमल बन जाता है, धारा से कहता है मुझे बहा देखो तो। भूल गया गुंजन, भूला स्वर्णिम पराग, नाचना शेष रहा, प्राण तुम फूल क्यों हुए। पंडित विद्यानिवास मिश्र सन 1968 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष आधुनिक भाषाएं एवं भाषा विज्ञान विभाग के पद पर नियुक्त होकर वाराणसी पहुंचे। संपूर्ण जीवन काल में उनका रिश्ता बनारस से बना रहा, बनारस उनके भीतर रमा रहा। बनारस का अबीर आंखों से निकल जाए निकल जाए, पर बनारस का रंग मन में बसा हुआ है, वो कहां से छूटेगा। वही एक ऐसा शहर है जहां उस्ताद बिस्मिल्ला खां
काल भैरव की सीढ़ियों पर बैठकर शहनाई बजाते हैं और उन्हें लगता है कि वे आसमान के ऊपर सवार हैं। काशी में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की चिंताओं के केंद्र में गंगा है, अनंत तीर्थों की लंबी श्रृंखला, तपोवनों की स्मृति, देश की सुषुम्ना नाड़ी, जीवनदायिनी गंगा की रक्षा के लिए वे गंगा किसकी लेख में जन आह्वान करते हैं। सन 1976 में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निदेशक बने। मिश्र जी के अंदर का कवि मुखर था, ब्रज से उनका नाता और भी गहरा हुआ। प्रियस भाव, राधा की अकुलाहट, उत्तर गीत गोविंद के माध्यम से ध्वनित हो उठी। कान्हा कान्हा, तुम नहीं सोचते, तुम नहीं सोचते, यह तुम जो तुम हो जाना घटित हो जाता है, वह नहीं जाता, वह रिश्ता रहता है पुराने घाव की तरह, जाता है केवल तुम कहा जाना। जो पंडित जी ने मुझसे कहा कि उमा रसखान को पढ़ो, तो मैंने रसखान को पढ़ा और उसमें एक बहुत ही सुंदर कविता है कि होली को पूरा दर्शाया है रसखान ने, कि मिली खेलत फाग बढ़ियो अनुराग, सुहाग सनी सुख की रमक है, कर कुमकुम ले कर कंज मुखी, पिय के दृगलाबन को झमके, रसखान गुलाल की धूंधर में, ब्रिजबालन की दुतियों धमके। तो ये ऐसे ऐसी रचनाएं जो मुझे वो बताते गए और मैं पढ़ती चली गई। इसी प्रकार से विद्यापति, अनुखन माधव, कुरु यदुनंदन जैसे उन्होंने मुझसे कहा, उसको मैंने बड़ी गहराई से पढ़ा। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या संस्थान में अतिथि प्रोफेसर होकर सन 1985 में पुनः काशी लौटे। उन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कुलपति पदभार ग्रहण किया। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने संस्कृत को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए संस्कृत को कंप्यूटर से जोड़ने में भी अपना योगदान दिया। सन 1989 में पुणे में उन्होंने सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक में मानस सलाहकार का पद संभाला। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने सन 1990 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में कुलपति पदभार ग्रहण किया। दायित्व बढ़ते जा रहे थे। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के चिंतन की मौलिक धारा प्राणवान थी। हम जिस संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, उसमें धर्म और राजनीति जीवन के अंग हैं, न केवल साधन है न केवल साध्य। सहज रूप में हमारा जो भीतर का स्वभाव उभरता है वो धर्म हो जाता है। गांव में चाहे किसी मजहब के हों, बात करते करते कह देंगे कि अब हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस धर्म का मतलब न इस्लाम होता है, न ईसाइयत, न हिंदू धर्म में आने वाले विभिन्न मत। इस धर्म न छोड़ने का सहज अर्थ है कि अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। विद्यानिवास मिश्र का नाता एक ओर मगहर से है, दूसरी ओर काशी से है। कबीर उन्हें आवाज देते हैं, वे बार बार कबीर को समझते हैं, फिर लिखते हैं मर जीवा कबीर। काशी कबीर का प्राकृतिक स्थल है और मगहर कबीर की प्रयोगशाला। काशी में जीवन भर रूढ़ियों अंधविश्वासों से जूझते रहे कबीर ने अंत समय में मगहर की ओर प्रस्थान किया। जो न्योछावर हो जाता है वो मर कर जी जाता है, मर जीवा बन जाता है, फिर वो मरता नहीं। कबीर के इस अनुभव में विचित्र बौराहपन है, अवधूत भाव है।
जीवन के प्रति गहरी तल्लीनता, प्रिय सराग पंडित विद्यानिवास मिश्र को निरंतर संवाद की ओर मोड़ता रहा। सन 1992 में नव भारत टाइम्स के प्रधान संपादक होकर वे दिल्ली पहुंचे। यह कार्य उनके लिए चुनौती भरा था। इस दायित्व को उन्होंने बखूबी निभाया। विद्यानिवास मिश्र के संपादन में साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। साहित्य अमृत, अभिरुचि, नांदी, विचार मीमांसा, संस्कृत की पत्रिका कार्षणिक कलाप का भी संपादन डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने किया। साहित्य को पूर्णतः समर्पित डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के जीवन में सम्मान पुरस्कारों का सिलसिला जारी था। 1988 में पद्मश्री, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का संस्कृत का सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती पुरस्कार एवं हिंदी का भारत भारती सम्मान मिला। अनंत गोपाल शेवड़े स्मृति पुरस्कार, शंकर सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक आदि अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हुए। सन 1999 में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र पद्म भूषण से सम्मानित हुए। मैं समझता हूं कि हिंदी में ऐसा कोई लेखक इस बीच नहीं दिखाई दिया जो संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो, संस्कृत में गहरी पेट रखता हो और जिसने परंपरा का गहरा से गहरा अध्ययन और विश्लेषण किया हो और इधर नवीनतम कविता, नवीनतम साहित्य से परिचित हो, बल्कि नवीनतम साहित्य के प्रिय लोगों में से हो। सन 2001 में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य बने। सन 2003 में पंडित विद्यानिवास मिश्र ने काशी के केदारखंड स्थित नव निर्मित ग्रह परिस्पंद में प्रवेश किया। संस्कृत के आचार्य कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम से लिए गए शब्द परिस्पंद का अर्थ है आह्लाद, हृदयोल्लास। सन 2003 में ही पंडित विद्यानिवास मिश्र राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। श्री विद्यानिवास मिश्रा जी, हमारी संस्कृति में वाचिक संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए वाचिक शिक्षा केवल भाषा की नहीं होती, केवल कहानियों की नहीं होती, कला की भी होती है। 24 दिसंबर सन 2004 श्रीमती राधिका देवी गंभीर रूप से अस्वस्थ हुई और उनका देहांत हो गया। 14 जनवरी 2005 को पंडित विद्यानिवास मिश्र ने 79 वर्ष पूरे किए। पंडित विद्यानिवास मिश्र का संपूर्ण जीवन एक अनवरत यात्रा है। यात्राएं साक्षी रही हैं उनके चिंतन एवं कर्म के एक एक शिलाखंड की, उनके बिहकते और कुछ अधूरे सपनों की। एक यात्रा के बीच जब वे गोरखपुर से बनारस आ रहे थे, दुर्घटना घटी, यात्रा अधूरी रह गई। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अनंत यात्रा की ओर महाप्रस्थान किया। दिन ढलने में ज्यादा देर नहीं है, अपनी ही छायाएं अपने से दूर होती जा रही हैं, प्राणों के स्पंदन तीव्र होने लगे हैं, जो सामने है वो धुंधलाने लगा है, स्मृतियां गहरी छाया में घुलकर उभरने लगी हैं। एक दुर्लभ क्षण की स्मृति सांध नक्षत्र बनकर दिपेगी और रात आ जाएगी। अलविदा नहीं कहना, नहीं कहूंगा, रहूंगा भीतर से दिन में, दिन के उस क्षण में, सहज अर्पण में, सहज अर्पण में, सहज अर्पण।